आज हम बनाने वाले हैं मूली के एकदम ज़बरदस्त पराठे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और सर्दियों में अलग अलग तरह के पराठे हम बनाते हैं, मूली के पराठे, गोभी के, प्याज के, आलू के। लेकिन मूली के पराठे हम जब भी बनाते हैं तो फट जाते हैं, अच्छे नहीं बनते हैं। लेकिन जिस टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज हम पराठे बनाने वाले हैं, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो मूली के पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मूली के पराठे बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है। उसमें आधी छोटी चम्मच हम नमक डाल लेंगे, या आप चाहें तो स्वाद अनुसार जैसे आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका सॉफ्ट आटा लगा लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं एकदम ऐसा सॉफ्ट आटा लगाएंगे। जब भी आप कोई भी पराठे बनाएं तो हल्का सा सॉफ्ट आटा ज़रूर रखें, तभी आपके पराठे अच्छे बनेंगे। अब 1 से 2 मिनट हम अच्छे से मसल कर आटे को एकदम सॉफ्ट और चिकना बना लेंगे। देखिए आटा मैंने लगा लिया है, हल्का सा तेल या घी लगाकर इसे ढककर हम 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हमने 3 मूली को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करते हैं जब भी हम मूली को तो उसमें पानी आ जाता है, तो आधी छोटी चम्मच हम नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे मूली में जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा और मूली के पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। 10 मिनट हो गई है इसे रखे हुए, इसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उस पर एक कपड़ा लगा देंगे और जो मूली का मिक्सचर है वो डाल लेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है। अब हम मूली को अच्छे से छान लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और जब हम मूली के पराठे बनाएंगे तो वो फटेंगे नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी होगा तो फट जाएंगे। देखिए मूली में से बिल्कुल अच्छे से मैंने पानी निकाल दिया है, एकदम सूखी सूखी मूली है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक या अदरक का पेस्ट ले लीजिए आप, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच ही धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे। नमक आप ध्यान से डालना, क्योंकि पहले भी हमने नमक डाल लिया है और आटे में भी है। अब 2 से 3 चुटकी मैंने यहाँ अजवाइन ली है, या चाहें तो आप आधी 1/4 छोटी चम्मच, क्योंकि जब भी हम मूली के पराठे बनाते हैं तो सभी को पता है हल्की सी गैस बनती है, तो अजवाइन अगर हम डालेंगे तो गैस बिल्कुल नहीं बनेगी। मिक्स करेंगे अच्छे से। तो मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं, मिक्सचर एकदम तैयार है। अब हम आटा चेक कर लेते हैं। देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। 1 से 2 मिनट और मसल लेंगे हम इसे, बिल्कुल चिकना कर लेंगे। अब जितने बड़े या छोटे पराठे बनाने हैं उसी के अनुसार इसमें से लोइयां तोड़ लेंगे। 1 लोई लेंगे और हम सूखा आटा लगाकर उसे बिल्कुल कटोरी की शेप देंगे, किनारों से पतली और बीच में से मोटी, जैसे हम कचौरियाँ बनाते हैं एकदम ऐसे। अब खूब सारी स्टफिंग हम इसमें भरेंगे। जब भी हम कोई भी पराठे बनाते हैं तो खूब सारी स्टफिंग अगर हो तो पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब अंगूठे से हम स्टफिंग को दबाएंगे और आटे को ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे और इसे हल्का सा हम प्रेस करके ऐसे लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे। और बना लेते हैं। 1 लोई लेंगे और इसे ऐसे कटोरी की शेप देंगे अंगूठे से और उंगली से दबाकर, बिल्कुल ऐसे। अब सब स्टफिंग हम रख देंगे और स्टफिंग को अंगूठे से दबाते हुए हम आटे को ऐसे फोल्ड करेंगे, रोटी को ऐसे फोल्ड कर देंगे
बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। इसे फोल्ड करते जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देते हैं और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब दूसरी तरह से बनाएंगे। बिल्कुल छोटी लोई लेंगे हम और पतली रोटी बेल लेंगे। दो रोटियां हम बेल लेंगे एकदम पतली पतली। रोटी को मोटा बिल्कुल नहीं रखना है, एकदम पतला रखना है कि हाथ भी आर पार दिख जाए। एक रोटी मैंने बेल ली है, इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरी बेल लेंगे बिल्कुल ऐसे ही पतली रोटी। दूसरी रोटी भी मैंने बेल ली है। अब हम इस पर स्टफिंग रखेंगे। जितनी कम या ज़्यादा आपको स्टफिंग पसंद हो आप उसी के अनुसार रख लीजिए। और दूसरी वाली रोटी है वो इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे और हल्का सा प्रेस करते हुए इसके किनारे अच्छे से बंद कर देंगे और थोड़ा सा हम सूखा आटा लगाकर इसे दोबारा से बेल लेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल भी कच्ची नहीं बनेंगी, अंदर तक एकदम पक जाएंगी क्योंकि हमने रोटियों को बिल्कुल पतला रखा है। ऐसे बेल लेंगे हम और जो हमने पहले बनाया था उसे भी ऐसे ही बेल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना। हल्का सा हम हाथों से फैलाएंगे और फिर बेलन से हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। किनारों से आप बेलना, किनारे मोटे बिल्कुल मत रखना। दोनों मैंने बेल लिए हैं अच्छे से। अब हम इन्हें सेक लेते हैं, तो तवा गरम करेंगे। पहले तवा अच्छे से गरम हो गया है, अब हम पराठा डाल लेते हैं इस पे। देखिए पराठे का कलर अब चेंज हो गया है। हल्का सा पराठे का कलर चेंज हो जाए तो इसे पलट लेंगे और घी लगाकर हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहें तो अगर तेल पसंद है तो आप तेल भी ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे। पराठे घी के ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, अगर घी में आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। दोनों तरफ पलट पलट कर हम इसे अच्छा गोल्डन होने तक पका लेंगे। देखिए आप कलर चेक देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसका कलर आया है और एकदम क्रिस्पी हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे। तो ये बन गया है, इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप देख पा रहे होंगे इसका कलर और क्रिस्प बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दूसरा बना लेते हैं। देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है, तो हम पलट लेंगे इसे भी और घी लगा लेंगे। दोनों में से आपको कौन से वाला पराठा अच्छा लगता है बनाना, डबल वाला या फिर सिंगल वाला, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप कैसे बनाते हैं। तो दोनों तरफ घी लगाकर अच्छा क्रिस्प होने तक हम पका लेंगे इसे। देखिए ये भी हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ऐसे ही हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ, जो डबल वाला हमने बनाया है उसे कट करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से स्टफिंग भरी हुई है, खूब सारी हमने स्टफिंग भरी है और बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, अंदर तक एकदम पका हुआ है और फटा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको कौन सा आसान लगा मुझे ज़रूर बताइए। तो ये लीजिए मूली के गर्मा गर्म पराठे बिल्कुल तैयार हैं। आप उसे मक्खन के साथ सर्व करें। आप चाहें तो अचार के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ, दही के साथ, या ऐसे ही आप चाय के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सर्दियों में किसी भी चीज़ के पराठे बने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।